झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है और झारखंड के 24 जिलों में कह सकते हैं अब चुनावी बिगुल बज चुकी है। हमारी उपस्थिति इस वक्त डाल्टेनगंज में है, राजधानी रांची से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर डाल्टेनगंज में हमारी उपस्थिति है। और कहीं ना कहीं आज का दिन, क्योंकि झारखंड में चुनावी सरगर्मी का माहौल है और डाल्टेनगंज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर कड़ाके की टक्कर है। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ है, उनसे ही सीधा जुड़ेंगे, उनसे ही बात करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दिलीप सिंह नामधारी हमारे साथ हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के उन समस्याओं का निदान करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल दिलीप जी, एक बार आप मैदान में उतर चुके हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जो डाल्टेनगंज की जनता उनके बीच जा रहे हैं? देखिए, बहुत सी समस्याओं से डाल्टेन की जनता जूझ रही है। सबसे प्रमुख मुद्दा है सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जब से पिताजी 2009 से सांसद हुए हैं, यहाँ दो जनप्रतिनिधियों को मौका मिला, 10 साल चौरसिया जी को और 5 साल त्रिपाठी जी को, पर जो सड़कों का हाल है मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि 3 किलोमीटर जाने में 25 से आधा घंटा लग जा रहा है, 25 मिनट से आधा घंटा। इस व्यवस्था जो दुर्दशा है उसको दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। और करप्शन हर जगह व्याप्त है, यहाँ ब्लॉक में जाइए, थानों में जाइए, किसी पास जाइए, बिना पैसा के गरीबों की सुनवाई नहीं है। मैं उस पर भी कस के नकेल कसने की अगर जनता ने ताकत दी तो उसको कोशिश करूंगा। दिलीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, विधायकी की दौड़ में आप दौड़ चुके हैं, जनता का समस्या आप लगातार सुन रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पर अगर बात करें तो झारखंड का अपेक्षित विकास आप कहां तक देख पाए? क्योंकि आपके पिता के समय में एक विकास की जो लहर बही थी, अब वो लहर कहीं ना कहीं रुक चुकी, उसके बाद अगर मौजूदा तस्वीर की बात करें, 24 साल झारखंड को हुआ अलग, अपेक्षित विकास कहां तक देखते, क्या झारखंड का अपेक्षित विकास हो पाया अभी तक? जिस उम्मीदों से पापा और उनके साथ समरेश सिंह जी थे, वन अंचल आंदोलन चला था, फिर झारखंड आंदोलन की अगुवाई माननीय गुरु जी ने की थी, उन उद्देश्यों से हम लोग कहीं भटक गए। आज जो अफसर आते हैं, जिन्होंने जिनको ड्यूटी है कि वो कार्यान्वित करे गरीबों की योजनाओं को, वो लूटने में लगे हुए हैं। और उनसे जब पूछिए तो जवाब देते हैं ऊपर पोस्टिंग और ट्रांसफर में हम लोग पैसा दे के आते हैं, तो यहाँ फिर कैसे मेकअप करेंगे? जब अफसर ये खुलेआम बेझिझक ये बातें जनप्रतिनिधियों से करते हैं तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ का विकास होगा? एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, झारखंड की डाल्टेनगंज जिले की अगर बात करें, क्योंकि आप यहाँ से दौड़ में अब चल रहे हैं, लोग के भरोसे के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, तो झारखंड की जो समस्या है वो पलायन सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। डाल्टेनगंज में खासकर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ के लोग बाहर दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए रेस में आगे निकलते हैं, आपको जनता का जो सपोर्ट मिलता है, तो क्या इस पलायन जैसे बड़े मुद्दे को लेकर आप क्या स्टेप उठाने वाले हैं? देखिए, जो सच्चाई है, एक विधायक की इतनी पावर नहीं होती है, इसमें सरकार भी अच्छी आनी चाहिए, विधायक भी अच्छा होना चाहिए, जिसको इस मुद्दे जो पलायन का मुद्दा है, ये खाली डाल्टेनगंज का मुद्दा नहीं है, ये पूरे झारखंड का मुद्दा है, ये रांची, चाईबासा, टाटा, कहीं भी आप चले जाइए, हाँ यहाँ की बच्चियाँ बच्चे बाहर जाकर नौकरियाँ कर रहे हैं, तो ये पलायन मुद्दे, सरकार जो भी बने वो एकदम दिल साफ करके इस मुद्दे पर लगे। यहाँ खनिज की भंडार है, उस आधारित पर अगर कोई उद्योग लगाया जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखा जाए, सड़कों का जाल बिछाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, तभी ना बाहर से आकर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है पैसा लगाएगा। अगर हम लोग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मजबूत होगा, अब यहाँ आएंगे उनसे रैंसम मांगा जाएगा, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है? कोई महत्वपूर्ण सवाल है, चुनावी सरगर्मी का माहौल है, आपने बिल्कुल अभी संबोधन में अपने मैया योजना पर बात उठाई, इंडिया अलायंस का एक योजना चलाया जा रहा है, राज्य की माताओं बहनों को पैसा दिया जा रहा है, सम्मान राशि दिया जा रहा है, बीजेपी अब गोगो दीदी योजना की बात कर रही है कि 11 तारीख से 2100 रुपये जारी करेंगे, तो क्या लगता है ये जो माताओं बहनों को जो पैसा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ये चुनावी स्टंट के रूप में आप देखते हैं इसको, इस पर क्या कहेंगे? मैंने अभी आपके सामने भाषण में आपने कहा, मैं क्या 4 साल 7 महीना पहले ये योजना शुरू करनी चाहिए थी, मैया योजना, गोगो दीदी भी योजना वो लाए हैं, वो अंतिम में भाजपा वाले लाए हैं, तो जनता को थोड़ा सा शक होता है कि चुनाव से पहले 2 महीने पहले ही क्यों इन लोग ये सब योजनाएं लाते हैं, 5 साल पहले जब सरकार बनती उस समय क्यों नहीं इसको लाया जाता है, तो जनता का जो शक है मुझे पर, मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी सरकार बने इन योजनाओं को बंद मत करे, वो लागू रखे, और संसाधन कैसे जुटाने हैं
ये सरकार का काम है, पर छलने का काम मत किया जाए कि ये नहीं हो कि चुनाव का रिजल्ट आए, कोई जीते हारे और फिर ये योजना रद्दी की टोकरी में डाल दी जाए। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, डाल्टनगंज में हमारी भी उपस्थिति है, आप हमारे साथ मौजूद हैं, जनता का प्यार कितना मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना लोग चाह रहे हैं दिलीप सिंह, क्योंकि एक युवा प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, कितना प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, इसका मैं आपको बखान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे जितने जहाँ जात पात इतनी चलती हो, जहाँ पर पार्टियों को देखा जाता हो, इतने अलायंस बने हुए हों, उस बीच में निर्दलीय लड़ना, वो भी बिना जात के लड़ना, वो भी बिना संसाधन के लड़ना, वो भी बिना पार्टी के लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। जनता का प्यार और ताकत है, तभी तो मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ। लोग जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र को बचने दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अगर पार्टियां मनमानी करें, अच्छे उम्मीदवार नहीं दें, तो अगर निर्दलीय आपको कोई सूट करता है तो उसको भी जिताइए, ताकि लोकतंत्र हम आप बचा रहे। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दिलीप सिंह खड़े हैं, और कह सकते हैं जनता का प्यार इन्हें बखूबी मिल रहा है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी, जब मतगणना की तारीख आएगी सामने, जब परिणाम घोषित होगा, उसमें देखा जाएगा किसने मारी जीत की बाजी, कौन हुआ पराजय। डाल्टनगंज से ये सीधी तस्वीर देख रहे थे, हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दिलीप सिंह हैं, और इन्होंने साफ कहा है, एक शब्दों में कहा है कि जो जनता जनार्दन होती है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी चुनाव के लिए, उनका प्यार इन्हें बखूबी मिल रहा है, और उन्होंने अपनी जनता का धन्यवाद भी किया है। अपने सहयोगी संतों के साथ शुभम कुमार, डाल्टनगंज, रफ्तार मीडिया।